देश भर में इन दिनों हम देख पा रहे हैं कि साधु संतों की लगातार हर दिन किसी न किसी विषय को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में एक और जो प्रतिक्रिया मदनी की आई थी उसको लेकर अब फिर से एक बार मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा हुआ है और इसीलिए जयभान सिंह पवैया ने, पूर्व मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह से ओम को लेकर उन्होंने जिक्र किया था मदनी ने कि ओम जो रहा है वो शुरुआत से ही ना सिर्फ मुस्लिमों के लिए बल्कि हिंदुओं के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है और इस बात को लेकर देश भर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपको सुना। मेरे साथ पूर्व मंत्री पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मिशन 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं सर, अब चूंकि नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो पार्टी की किस स्तर पर तैयारी है, संगठन स्तर पर, सत्ता स्तर पर जो विकास यात्राएं भी शुरू हो गई हैं? देखिए, पार्टी तो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, भारतीय जनता पार्टी। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि चुनाव के बाद में बोरिया बिस्तर बंद करके सो गए, 6 महीने पहले से ड्रामा शुरू कर दिया। हम लोग तो निरंतर काम करने वाले लोग हैं और विकास यात्राओं को भी इसी दृष्टि से देखना चाहिए कि हम अपने कार्यकर्ता को मुस्तैद कर रहे हैं और जनता के बीच में हमारे किए हुए सवा चार वर्ष के कामों को हम पहुंचा रहे हैं और हम विजयी होंगे, इस विश्वास के साथ में हमारी यात्राएं प्रदेश में चल रही है। मौके पर ही से देखने को मिल रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भूमि पूजन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं और जो समस्याएं फीडबैक मिल रहा है, चाहे किसी विधानसभा की बात की जाए, सब मौके पर ही निराकरण हो रहा है, तैयारी तो है कहीं ना कहीं। देखिए, जब हम कुछ करेंगे तभी तो लोकार्पण होगा, जब काम मंजूर शुदा होंगे तभी तो भूमि पूजन होगा। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं वो 1.5 साल में क्या कर पाए? हमारे किए हुए कामों पर पटिया जरूर लगा गए, तो करने वाली पार्टी तो लोकार्पण भूमि पूजन करेगी ही और जनता को खुली आंखों से दिखाई भी देता है। धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के फ्राई ब्रांड नेता जयभान सिंह पवैया, जिनका कहना है कि जो मदनी का बयान है और जो राजनीतिक माहौल धर्मा गुरुओं को लेकर चल रहा है वो चुनाव में जो फैक्टर काम नहीं करने वाला है और आने वाली जनता जो कामों को देखेगी, विकास को देखेगी। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS News, ग्वालियर।